गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नवीन पहाड़ी ब्लॉग्स। दोस्तों, क्या होता है ना, जब हम घर में रहना शुरू करते हैं तो हमें फिर धीरे धीरे करके बहुत सारे काम नज़र आते हैं, तो बस वही छोटी छोटी फिनिशिंग चल रही है। और देखिए, सोहेल लगा रहा है हमारा जो भी बेड का सिराना है उसको, देखिए वन बाय वन करके कुछ इस तरीके से लगाया जाता है। मुझे भी नहीं पता था, तो फिर मैंने भी फर्स्ट टाइम देखा, तो चलो ये भी एक अच्छी चीज़ है। और अच्छे से घर में फर्नीचर बनाने से क्या होता है ना, अच्छे से आपके हिसाब से काम हो पाता है। तो बस दोस्तों, आज ना मेरा गला थोड़ा ख़राब है, मुझे वायरल फीवर हो रहा है और साथ में कोल्ड भी हो रहा है, तो बस इसलिए आवाज़ थोड़ी क्लियर नहीं है, तो उसके लिए माफ़ी। और देखिए, यहाँ से घोंसला नवीन जी हटा रहे हैं। चिड़िया तो चली गई थी लेकिन उनका घोंसला रह गया था, तो बस उसे वहाँ से क्लीन कर रहे हैं। और देखिए, कुछ इस तरीके से शीट बन के रेडी हो गई। और दोस्तों, अचानक से आए हमारे घर पे किन्नर। हाय, बधाई लेने आई हूँ मकान की। बड़ोदा जी के यहाँ बधाई लेने के लिए आई हूँ। हम आए हूँ कलोड़ा के यहाँ बधाई लेने के लिए। 1.5 करोड़ के मकान बनाया मेरे श्यामपुर गढ़ी में। 5 करोड़ का 1.5 करोड़ का मकान बनाया। वैसे आपकी हाइट बहुत अच्छी है ना, मतलब हम लोग इतने छोटे छोटे लग रहे हैं ना, हम सोचते हैं हम कितने लंबे हैं। हाँ, आपके पिलो का नंबर बताना। तो दोस्तों, मैं जाके बैठ गई थी उनके पास और यही कह रही थी कि उनकी हाइट कितनी अच्छी है। और वो बेचारे कह रहे थे कि आप भी हमें बताना कहाँ से व्लॉग, मतलब व्लॉग कैसे बनाते हो, और मतलब मैं भी आपका व्लॉग देखूंगी। तो मैंने कहा हाँ, ज़रूर देखना, आपकी वीडियो भी आएगी व्लॉग में। तो बस उनसे कुछ बातें चल रही थी, और देखिए उन्होंने फिर बाद में हमें बधाई दी कुछ इस तरीके से। उन्होंने अच्छे तरीके से जो भी उनका प्रोसेस होता है उन्होंने किया। और देखो यार, मैं कितनी बच्ची सी लग रही हूँ उनके सामने, क्योंकि भाई उनकी हाइट बहुत ही ख़तरनाक थी, 6 फीट से भी ऊपर हाइट थी। तो आप देखिए, वो डांस करने में लग गई थी। और अच्छी बात यह है कि हम बहुत प्यार से, हमारा जो भी ये आए थे इन्होंने अपना बधाई वगैरह दी और बहुत प्यार से सब कुछ निपट गया था। तो अच्छी बात है यार, इससे हमारा घर एक तरीके से, मतलब ब्लेसिंग्स मिलती है इनसे, और इनका दिल नहीं दुखाना चाहिए, तो अच्छी बात है। तो नोनू भी उन्हें देख के बहुत खुश हो रही थी, एक करके आवाज़ें निकाल रही थी। तो बस वो भी देख रही थी कि कौन आए हैं, और देखिए वो कितना प्यारा डांस कर रही है। हमने कहा थोड़ा गढ़वाली गाने पे भी डांस करिए, तो बस वो गढ़वाली गाने पे डांस कर रही थी। और उसके बाद शाम हो गई थी, और देखिए नोनू जा रही थी घूमने के लिए अपने दादू के साथ, और देखिए नवीन जी ने प्रैम निकाला उसका। तो हमने देखा यार बहुत ही गंदा हो रहा था, तो पता नहीं चला क्योंकि फोल्ड होके रखा हुआ था। तो नवीन जी मेरे से कह रही इतना गंदा कैसे हो गया, मैंने कहा यार शिफ्टिंग में हो जाता है गंदा। तो उन्होंने कहा यार एक कपड़ा फेंको ज़रा, मैं क्लीन करता हूँ। तो बस मैंने फटाफट से उनको कपड़ा दे दिया, और उन्होंने कपड़ा लेके उसे अच्छे से साफ़ कर दिया था। और देखिए नोनू बैठ चुकी थी, और मैंने नोनू को आवाज़ लगाई तो ऊपर वो मेरे को देख रही है, और देखिए फटाफट से चल दी वो अपने दादू के साथ घूमने के लिए। तो आजकल वो डेली जा रही है दादू के साथ घूमने के लिए, और साथ में नवीन जी उनकी फ़ोटो शूट कर रहे हैं। तो देख सकते हो किस तरीके से उनकी फ़ोटो शूट हो रही है, और अपने में मस्त हो रखे हैं। ठीक है यार, बच्चे को भी शाम को थोड़ा बहुत घुमाना चाहिए, बच्चे का भी माइंड फ्रेश होता है, थोड़ा चिड़चिड़े कम हो जाते हैं। फिर देखिए आप रात में देख सकते हो 10:30 से ऊपर टाइम हो गया है, और ना मेरे को जुकाम काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। तो नवीन जी ने कहा कि भाई रुको, मैं आपके लिए चाय बना देता हूँ। बहुत ही अच्छे हस्बैंड है, बेचारे सारा काम देख लेते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है यार कि चलो ठीक है, जब तबीयत ख़राब है तो वो ध्यान रखते हैं। तो दोस्तों, आप लोग भी कमेंट करके बताना कि जब आपकी तबीयत ख़राब होती है तो क्या आपके हस्बैंड आपका ध्यान रखते हैं। तो अगर रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कमेंट करके ज़रूर बताना ये बात ना। तो दोस्तों, अभी के लिए मैं जाती हूँ, और हम जल्दी मिलेंगे आपको अगले व्लॉग में। और मैंने नवीन जी से बोला चलो जाते जाते एक पोज दे दो, तो बस वो भी टाटा करने लग गए। तो दोस्तों, बाय, जल्दी मिलेंगे अगले व्लॉग में।